आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपरों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम मॉडल पेपर है तो सोल्व करवा रहे हैं, एकदम सोल्व करवा रहे हैं। दोस्तों, इस मॉडल पेपर के अंदर हम जो राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम होगी उस एग्ज़ाम के अंदर चार पार्ट होंगे और उन चार पार्टों के अंदर जितने क्वेश्चन जिस सिलेबस से आएंगे वो सभी दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन डाले हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार का राजस्थान पुलिस का पेपर बनेगा उसी के आधार पर हम पेपर बनाकर अपलोड कर रहे हैं या हल करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इसको अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों या संख्याओं का अदला बदला दिए गए समीकरण को सही कर देंगे। दोस्तों, ये समीकरण है और इसके अंदर ये चिन्ह देखने हैं, इनमें से कौन सा चिन्ह मेल खाने वाला है और कौन सा चिन्ह नहीं मेल खाने वाला है। दोस्तों, अगर ये है इसके अंदर हम ऑप्शन ए रख के देखते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ए रखते हैं तो दोस्तों प्लस वाले स्थान पे गुणा हो जाएगा और गुणा वाले स्थान पे प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों, ये नहीं बैठने वाला है और दोस्तों एक हम संख्या भी चेंज करेंगे तो ये भी नहीं बैठने वाला है। दोस्तों, ऑप्शन सी बैठ जाएगा इसके अंदर। दोस्तों, हम हल कर लेते हैं। दोस्तों, पाँच प्लस के स्थान पर क्या हो जाएगा, माइनस दो कोष्टक बंद, गुणा के स्थान पर गुणा का गुणा और माइनस की जगह प्लस का, यानी 10 बराबर में 16 है। इसको हम हल कर लेते हैं। दोस्तों पाँच में से माइनस दो करेंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, 3 इंटू दो प्लस 10 बराबर 16। अब दोस्तों, 3 दूनी कितना हो गया, 6 प्लस 10 बराबर 16। अब दोस्तों, 10 और 6 कितने होते हैं, 16 दोस्तों, और बराबर 16। दोस्तों, बराबर के दोनों, दोस्तों इस मेल से बराबर के इस साइड भी 16 है और बराबर के इस साइड भी 16 है। तो दोस्तों, किस ऑप्शन को हमने, किस ऑप्शन के चिन्ह इस चिन्हों के अंदर रखा तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ऑप्शन सी हमने रखे। तो दोस्तों, हमारे आंसर आ चुके हैं। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। तो दोस्तों, हम इन चिन्हों को रख के देख लेते हैं। दोस्तों, पहला ऑप्शन ए है, ए में पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर बराबर है। तो दोस्तों, इनको हम रख के देख लेते हैं। 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 4 बराबर 8। अब दोस्तों, हम इसको हल कर लेंगे। दोस्तों, अगर बराबर में इस साइड भी 8 आ जाएगा तो दोस्तों हमारा ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, 2 और 3 कितने होते हैं, 5 माइनस 2 प्लस 4। तो दोस्तों, 5 में से 2 की क्या बचेगी दोस्तों, 3 और प्लस 4 कितने हो रहे हैं दोस्तों, 7। 3 और 4 कितने हो रहे हैं, 7। यानी दोस्तों, ये नहीं बैठ पा रहा है। तो दोस्तों, चलो ऑप्शन बी है, उसके जो चिन्ह है उनको हम रख के देखते हैं। तो दोस्तों, 2 पहले गुणा है तो गुणा, 3 माइनस 2 प्लस 4 बराबर 8। अब दोस्तों, 3 दूनी कितने होते हैं, 6 माइनस 2 प्लस 4। अब दोस्तों, माइनस 6 में से माइनस 2 करेंगे दोस्तों क्या बचेगा, 4 और प्लस 4 बराबर 8। दोस्तों, 4 4 कितने होते हैं, 8, और दोस्तों इधर भी 8 है। तो दोस्तों, कौन से ऑप्शन रखने से हमारे 8 आंसर आए, ऑप्शन बी रखने से हमारा आंसर 8 आए। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूर चलने के बाद वह अंत में अपने बाईं ओर मुड़ता है, अब वह किस दिशा में है। दोस्तों, हम इसका डायग्राम बना के इसको हल कर लेते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति है पूर्व दिशा में जाता है। दोस्तों, दिशाओं 4 प्रकार की होती है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण, पूर्व, इधर पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती है। तो दोस्तों, एक व्यक्ति यहाँ पे है और दोस्तों वह पूर्व दिशा में चलता है वह दोस्तों पूर्व दिशा में चलता है, तो पूर्व दिशा इधर है। फिर दोस्तों, कुछ दूर चलने के पश्चात वह दाएं ओर मुड़ता है। तो दोस्तों, अगर वो इधर इसका मुँह है तो इसका दाया नीचे हो जाएगा, तो दाएँ ओर मुड़ता है, दाएँ ओर मुड़ गया। कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर से दाएँ मुड़ता है। दोस्तों, कुछ दूर चलने के बाद फिर से वह दाएँ मुड़ जाता है। तो दोस्तों, दाएँ इधर मुड़ गया, उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद अंत में वह बाएँ मुड़ जाता है। तो दोस्तों, बाएँ मुड़ेगा तो नीचे, दोस्तों नीचे मुड़ जाता है। तो दोस्तों, अब वह किस दिशा में जा रहा है, दोस्तों अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। तो दोस्तों, कौन से ऑप्शन में है दक्षिण, दोस्तों ऑप्शन बी में है दक्षिण। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
निर्देश प्रश्न संख्या 4 से 6 दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। दोस्तों निर्धनता अनुपात, बेरोजगारी सम अनुपात, अरक्तता अनुपात क्या आएगा, यानी दोस्तों जो संबंध इन दोनों के अंदर है वही संबंध इन दोनों के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों निर्धनता बेरोजगारी, दोस्तों निर्धनता और बेरोजगारी में क्या संबंध है, दोस्तों जिस प्रकार बेरोजगारी की स्थिति में निर्धनता पैदा होती है, बेरोजगारी की स्थिति में क्या पैदा होती है, निर्धनता पैदा होती है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों उसी प्रकार कुपोषण, कुपोषण की स्थिति में रक्तहीनता नामक रोग पैदा होता है। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आर टी अनुपात डब्ल्यू जेड सम अनुपात पी आर अनुपात क्वेश्चन मार्क वाला स्थान, यानी दोस्तों जो संबंध इसमें है वही संबंध इन दोनों के अंदर होना चाहिए। दोस्तों आर और टी के अंदर 2 का अंतर है और W और Z के अंदर 3 का अंतर है। दोस्तों पी आर में 2 का अंतर है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे जो अक्षर आएंगे उनके अंदर 3 का अंतर होना चाहिए। तो दोस्तों यू 21 नंबर पे आता है और X 24 नंबर पे आता है। दोस्तों इनके अंदर बीच में कितने का अंतर है, दोस्तों इनके बीच के अंदर 3 का अंतर है। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या आएगा, यू और एक्स आएगा। तो दोस्तों यू और एक्स किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 16:4 समानुपात 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी दोस्तों 16 और 4 में जो संबंध है वही संबंध 9 और क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे होना चाहिए। दोस्तों जैसे 16 है, 16 4 का स्क्वायर है, यानी दोस्तों 16 4 का स्क्वायर है। अब दोस्तों 9 किसका स्क्वायर होता है, दोस्तों 9 3 का स्क्वायर होता है, लेकिन दोस्तों 3 इस ऑप्शन में है नहीं, तो दोस्तों ये तरीका इसमें नहीं लगने वाला है। अब दोस्तों हम दूसरे तरीके से इसको हल कर लेते हैं। दोस्तों 16 जो 4 का स्क्वायर है, 2 किसका स्क्वायर है, दोस्तों 2 है 2 का स्क्वायर। अब दोस्तों 16 4 4 में से 2 माइनस किए तो दोस्तों क्या बच गया, 2 और 2 का हमने स्क्वायर कर दिया। इसी तरीके से दोस्तों 3 है, 9 है, 9 किसका स्क्वायर है, दोस्तों 9 है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 है। तो दोस्तों हम 3 में से हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, दोस्तों क्या बच जाएगा, 1। और दोस्तों 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या जाएगा, 1। 1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निर्देश देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 से लेकर 9 दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सितारा वायलिन मुरली वीणा, दोस्तों इसके अंदर कौन सा भिन्न है, दोस्तों इसके अंदर भिन्न है कि जो मुरली को छोड़कर अन्य सभी संगीत यंत्र है। दोस्तों मुरली को छोड़कर यानी बांसुरी को छोड़कर जो सितारा वायलिन और वीणा है ये संगीत के यंत्र है, किसके हैं दोस्तों, संगीत के यंत्र है। लेकिन दोस्तों जो मुरली या बांसुरी है इसको दोस्तों हाथ में लेकर मुँह से बजाए जाने वाला संगीत यंत्र है, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला देखते हैं, ऑप्शन ए है BEHCFIDGJ और ऑप्शन डी है EHL, यानी दोस्तों इनमें भी हमें भिन्न देखना है। दोस्तों बी और ई में कितने का अंतर है, दोस्तों बी और ई में 3 का अंतर है। और दोस्तों ई और एच में कितने का अंतर है, दोस्तों ई और एच में भी 3 का अंतर है। इसी तरीके से दोस्तों सी और एफ में 3 का अंतर है और एफ और आई में भी 3 का अंतर है। दोस्तों डी और जी में भी कितने का अंतर है, 3 का, और जी जे में भी 3 का अंतर है। और दोस्तों ई और एच में कितने का अंतर है, दोस्तों 3 का, और एच और एल में कितने का अंतर है, 4 का। यानी दोस्तों इन ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी में तो सब में 3-3 का अंतर है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन डी में 4 का अंतर आ रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन डी भिन्न हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं दोस्तों, HIVWMLKNEFOPCDYZ, यानी दोस्तों HI में कितने का अंतर है, दोस्तों 1 का, और VW 1 का अंतर है, ML माइनस 1 का अंतर, KN में दोस्तों कितने का अंतर हो गया, 3 का अंतर हो गया, और ML में माइनस 1 का अंतर हो गया। इसके बाद देखते हैं FJ प्लस 1 का अंतर, OP प्लस 1 का अंतर, CD प्लस 1 का अंतर, YZ प्लस 1 का अंतर। यानी दोस्तों ऑप्शन ए ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो सेम है और जो ऑप्शन बी है ये भिन्न है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला देखते हैं,
एक संयुक्त परिवार में निम्नलिखित सदस्य हैं: पिता, माता, तीन विवाहित पुत्रियां, एक विवाहित पुत्र, विवाहित पुत्री। विवाहित पुत्रों में से दो के दो दो पुत्रियां तथा एक को एक पुत्र है। परिवार में कितनी महिलाएं सदस्य हैं? तो दोस्तों हम क्या करेंगे, महिला सदस्यों को अलग काउंटिंग कर लेंगे और पुरुष सदस्यों को अलग काउंटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों इधर तो कर लेंगे फीमेल और इधर कर लेंगे मेल। यानी दोस्तों एक पिता, एक माता, तीन विवाहित पुत्र, और दोस्तों विवाहित हो गए तो तीन उनकी पत्नियाँ हो गई। इसके बाद में एक अविवाहित पुत्री, यानी दोस्तों एक अविवाहित पुत्री। विवाहित पुत्रों में से दो के दो दो पुत्रियां, तो दोस्तों दो दो पुत्रियां कितनी हो गई, चार, चार पुत्रियां आ गई। तो दोस्तों चार फीमेल में आ जाएगी। इसके बाद में एक के एक पुत्र, एक के एक पुत्र है। तो दोस्तों कितनी महिलाएं, इनको काउंटिंग कर लेंगे दोस्तों, चार एक पाँच, पाँच तीन आठ, आठ एक नौ। कितनी महिलाएं हैं दोस्तों, नौ महिलाएं हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि पुरुष सदस्य कितने हैं, तो दोस्तों पुरुष सदस्य हो जाते तीन, एक चार एक पाँच। पुरुष सदस्य कितने होते हैं, पाँच, लेकिन इसमें महिला सदस्य पूछे तो महिला सदस्यों की संख्या हो जाएगी नौ, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्देश देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 और 12 दिए गए विकल्पों में से उसी सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी दोस्तों सी डी, सी और डी में एक का अंतर प्लस एक हो रहे हैं, फिर डी ई प्लस एक हो रहा है, आई जे प्लस एक हो रहा है, जे के प्लस एक हो रहा है, एन ओ प्लस एक हो रहा है, ओ पी प्लस एक हो रहा है। यानी दोस्तों यहाँ भी जो आएगा उनमें भी प्लस एक का एक ही होना चाहिए। दोस्तों आर एस प्लस एक हो रहा है, एस टी प्लस एक हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ क्या आएगा, आर एस टी, क्या आएगा दोस्तों, आर एस टी, आर एस टी ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दोस्तों श्रृंखला का क्वेश्चन है 25, 49, 121 क्वेश्चन मार्क 289। दोस्तों 25 किसका स्क्वायर होता है, दोस्तों 25 5 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है। दोस्तों 5 5 के बाद में 7 आ गया, 7 के बाद में 11 आ गया। दोस्तों ये अभाज्य संख्याएं आ रही है, अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर करके स्क्वायर लिखा गया है। तो दोस्तों 11 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है, दोस्तों 11 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 13। कितनी होती है दोस्तों, 13। तो दोस्तों 13 कितने का स्क्वायर होता है, दोस्तों 13 का स्क्वायर होता है 100 गुणोत्तर। कितना होता है, 100 गुणोत्तर। यानी दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क वाला स्थान है यहाँ आएगा 100 गुणोत्तर। और दोस्तों आगे 17 का स्क्वायर है, तो दोस्तों 100 गुणोत्तर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला देख लेते हैं, दोस्तों ये भी श्रृंखला का क्वेश्चन ही है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस श्रृंखला के अंदर एक संख्या जो गलत दे रखी है उसको हमें देखना है। यानी दोस्तों देख लेते हैं, दोस्तों 8 है, 8, 16, 24, 40, 62, 104, 168। यानी दोस्तों 8 और 16 को हम आपस में प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या जाएगा, 24। फिर दोस्तों हम 16 और 24 को प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या जाएगा, 40। फिर दोस्तों 24 और 40 को हम प्लस करेंगे, दोस्तों 24 और 40 को हम प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 64। 64 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, 62। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं, दोस्तों 64 और 40 को हम प्लस करेंगे तो दोस्तों 104 आएगा, और 104 और 64 को प्लस करेंगे तो 168 आएगा। तो दोस्तों इसमें गलत संख्या कौन सी है, दोस्तों इसमें गलत संख्या 62 है। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है, माला का कला से क्या संबंध है। दोस्तों यह है माला, माला की ओर इशारा करते हुए कला बोलती है, यह है दोस्तों कला। माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा वह मेरे, यानी दोस्तों इसके, मेरे भाई, दोस्तों इसका भाई हो गया, भाई की इकलौती बहन, दोस्तों भाई की इकलौती बहन कौन हो गई, कला हो गई की पुत्री। दोस्तों कला की पुत्री कौन हो गई, माला। कला की पुत्री कौन हो गई, माला। यानी दोस्तों माला का कला से क्या संबंध है, दोस्तों माला है जो कला की पुत्री हो गई। दोस्तों इसकी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है और श्याम लाल जितना तेज किंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है तो सबसे तेज कौन दौड़ता है। दोस्तों सबसे तेज दौड़ने वाले के बारे में बताना है। दोस्तों राम है जो श्याम से कम दौड़ता है, दोस्तों
राम है जो श्याम से कम दौड़ता है, तो दोस्तों राम नीचे आ जाएगा और श्याम ऊपर आ जाएगा। और श्याम लाल जितना ही तेज, दोस्तों जो श्याम है वो लाल जितना ही तेज तेज दौड़ता है, लाल जितना ही तेज दौड़ता है, तो यानी श्याम और लाल बराबर दौड़ते हैं, किंतु टॉम से कम तेज दौड़ते हैं। दोस्तों जो टॉम है उससे कम लाल दौड़ता है, तो दोस्तों श्याम और लाल टॉम से दोनों ही नीचे आ जाएंगे। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो दोस्तों सबसे तेज कौन दौड़ता है, दोस्तों सबसे तेज दौड़ता है टॉम। तो दोस्तों टॉम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी दोस्तों ये शब्द दे रखे हैं इनसे बनकर कोई शब्द नहीं बन रहा है, जो शब्द नहीं बन रहा है उस शब्द के बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं, दोस्तों एन इसमें है तो दोस्तों एन इसमें भी है, ए इसमें है तो ए इसमें भी है, टी आई इसमें है तो दोस्तों टी आई इसमें भी है, ओ एन ओ एन ओ एन ए इसमें है ए इसमें भी है, एल इसमें है और एल इसमें भी है, यानी दोस्तों ऑप्शन ए है वो इन शब्दों से मिलकर बना है। अब दोस्तों ऑप्शन बी देख लेते हैं, टी इसमें है टी इसमें भी है, ई इसमें है और ई इसमें भी है, आर इसमें है और आर इसमें भी है, एम इसमें है लेकिन दोस्तों एम इसमें नहीं है। तो दोस्तों इन शब्दों से होकर कौन सा शब्द नहीं बनेगा, दोस्तों ये शब्द नहीं बनेगा, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर एक अंक निर्धारित किया गया है, इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से दर्शाइए, और उनके अंकों का सही क्रम को दिए गए विकल्पों से दर्शाइए। तो दोस्तों ये जो शब्द दे रखे हैं और इनके अंक दे रखे हैं, दोस्तों इनको एकदम सही तरीके से व्यवस्थित करना है जिस तरीके से अंक बन जाए। तो दोस्तों हम इनको सेट करते हैं, दोस्तों पहले तो आएगा आर, इसके बाद में ई, इसके बाद में ए, और दोस्तों ए के बाद में क्या आएगा, दोस्तों ए के बाद में आएगा एस, फिर आएगा ओ, फिर आएगा एन। अब दोस्तों इनके हम अक्सर देख लेते हैं, आर कितने नंबर पे आता है, आर दो नंबर पे, ई एक पे, ए चार पे, एस तीन पे, ओ छः पे, एन पाँच पे, एन दोस्तों ये एक अर्थ संबंध अर्थ है निकलने वाला शब्द बना है। तो दोस्तों इसके अंदर 21, 43, 65, दोस्तों जिस ऑप्शन में 21, 43, 65 है आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कौन से ऑप्शन में है, दोस्तों ऑप्शन ए में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, इसको हम हल कर लेते हैं। यदि सी ओ यू आर एस सी को एक कूट भाषा में ई एस आर यू ओ सी लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में बी आर ई ए टी एच को क्या लिखा जाएगा, तो दोस्तों हम इसको हल कर लेते हैं। दोस्तों यह है सी ओ यू आर एस ई और इसके नीचे लिखा गया है दोस्तों ई एस आर यू ओ सी, तो दोस्तों ये लास्ट वाला पहले में आ गया, एस यहाँ आ गया, आर यहाँ, यू यहाँ, ओ यहाँ, यानी सी, यानी दोस्तों इनको जो अंत वाला था उसको लास्ट पहले ले आया गया और पहले वाले को अंत में लेके गया, यानी दोस्तों इनके चिन्ह विपरीत कर दिए गए हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हम इसको कर लेंगे, यानी दोस्तों यह है बी आर ई ए टी एच, तो दोस्तों लास्ट वाला पहले आ जाएगा, एच ये टी यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ पर आ जाएगा और आर यहाँ पे आ जाएगा और बी लास्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों ये किस तरीके से बनेगा, ये दोस्तों बनेगा एच टी ए ई आर बी, इस तरीके से। दोस्तों ये किस ऑप्शन में है, दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीमेंट ईंट और भवन निर्माण सामग्री के बीच से संबंधित को बला भांति दर्शाती है, तो दोस्तों हम इसको सेट कर लेते हैं, दोस्तों भवन है, दोस्तों ये हो गया भवन। अब दोस्तों भवन बनाने के अंदर सीमेंट भी काम में आती है और ईंट भी काम आती है, दोस्तों भवन बनाने के अंदर ईंट भी काम आती है और सीमेंट भी काम में आती है। दोस्तों जिस ऑप्शन के अंदर इस तरीके का आरेख मिले आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बीते कल से पहले दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, यानी दोस्तों ये हो गया आज, बीता हुआ कल, ये हो गया दोस्तों बीता हुआ कल।
पहले दिन यानी बीते हुए कल से पहले दिन यानी बीते आज बीता हुआ कल ये पहले दिन, इस दिन क्या था दोस्तों, इस दिन था बृहस्पतिवार। क्या था? बृहस्पतिवार। तो अब रविवार कब होगा? तो दोस्तों बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, द्वितवार कब होगा यानी आने वाले कल कब होगा दोस्तों, आने वाला कल है उस दिन रविवार होगा। तो दोस्तों कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है आने वाला कल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कूट भाषा में आर ए एम ए एन को 5, पी आर ए एस एच ए एन टी को 8 लिखा जाता है तो टी आई एम टी आई एम को क्या लिखा जाएगा? यानी दोस्तों आर ए एम एन यानी 1 2 3 4 5 कितने अक्षर हैं दोस्तों? 5। यानी दोस्तों इनको अक्षरों को काउंटिंग करके वो इसका कोड बना दिया गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से परसेंट इसमें भी 8 है तो दोस्तों 8 बना दिया गया। दोस्तों इसके अंदर टी आई एम टी आई एम में कितने अक्षर हैं दोस्तों? टी आई एम टी आई एम में 1 2 3 4 5 6 अक्षर है। तो दोस्तों इनका कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो दोस्तों 6 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 जिलों में रामपुर छोटा है श्यामपुर से, दामपुर बड़ा है हरिपुर से, जयपुर बड़ा है श्यामपुर से परंतु इतना नहीं जितना हरिपुर है, सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? दोस्तों इसमें सबसे बड़ा ज़िला बताना है। तो दोस्तों सब रामपुर, दोस्तों ये रामपुर को 8 लिख देता हूँ, रामपुर श्यामपुर से। दोस्तों जो रामपुर छोटा है श्यामपुर से, रामपुर छोटा है श्यामपुर से, तो दोस्तों रामपुर नीचे आ जाएगा और श्यामपुर ऊपर आ जाएगा। दामपुर बड़ा है हरिपुर से, दोस्तों दामपुर है, दामपुर किससे बड़ा है? हरिपुर से दामपुर बड़ा है, हरिपुर नीचे आ जाएगा। जयपुर बड़ा है श्यामपुर से, जयपुर बड़ा है श्यामपुर से, तो दोस्तों श्यामपुर के ऊपर जयपुर आ जाएगा परंतु इतना नहीं जितना हरिपुर है। तो दोस्तों उतना बड़ा नहीं है जितना हरिपुर है, तो दोस्तों हरिपुर इसके ऊपर आ जाएगा। यानी दोस्तों हरिपुर जयपुर के ऊपर आ जाएगा और हरिपुर के ऊपर ऊपर क्या है दोस्तों? दामपुर हरिपुर के ऊपर है ही। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा ज़िला हो गया दामपुर। क्या हो गया? दामपुर। यानी दोस्तों दामपुर ऑप्शन सी में है, दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा? यानी दोस्तों इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम साल देख लेते हैं कि दोनों के अंदर साल सेम है या नहीं। दोस्तों दोस्तों इसके अंदर साल सेम है। दोस्तों मार्च 31 दिन का होता है लेकिन 31 दिन में 17 दिन तो ये बच गए कितने? 14 दिन। और दोस्तों मार्च के बाद में क्या आ गया? अप्रैल। अप्रैल कितने दिन का होता है दोस्तों? अप्रैल 30 दिन का होता है। और अप्रैल के बाद में दोस्तों मई, मई 31 दिन का होता है। और मई के बाद में दोस्तों क्या हो गया? जून। और जून कितने दिन का होता है दोस्तों? जून भी 30 दिन का होता है। और दोस्तों 12 जुलाई यानी 12 ये हो गए। अब दोस्तों हम इनको काउंटिंग कर लेंगे, 14, 30, 31, 30 + 12 को हम काउंटिंग कर लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 117। कितना हो गया? 117। और 117 में हम 7 का भाग दे लेंगे। तो दोस्तों हम 117 में 7 का भाग देंगे तो दोस्तों इसका क्या होने वाला है? 16 सप्ताह और 5 दिन बनने वाले हैं, 16 सप्ताह और 5 दिन बनने वाला है। तो दोस्तों हम 12 जुलाई 1980 को देखेंगे क्या, यानी दोस्तों 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। अब दोस्तों 17 मार्च को सोमवार था तो दोस्तों सोमवार से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी दोस्तों जो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होने वाला है दोस्तों? कौन सा दिन होने वाला है? शनिवार। शनिवार किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यानी दोस्तों 4 196 16 169 क्वेश्चन मार्क 144 64। यानी दोस्तों ये श्रृंखला डबल श्रृंखला बन रही है, इसमें 4 2 का स्क्वायर है 16 4 का स्क्वायर है, फिर दोस्तों यानी 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 4 का स्क्वायर हुआ, फिर 6 का स्क्वायर होगा। तो दोस्तों 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आएगा? 36। और 6 के बाद में ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया। इसी तरीके से दोस्तों 96 कितने का स्क्वायर होता है दोस्तों? 14 का स्क्वायर, 196 होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है। यानी दोस्तों इनके अंदर तो एक एक माइनस करके स्क्वायर किए गए हैं और दोस्तों इनके अंदर 2 2 प्लस करके स्क्वायर कर दिए गए हैं। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या आएगा? 36। यानी दोस्तों 36 ऑप्शन सी में, तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार अनाज का संबंध भंडार ग्रह से है उसी प्रकार जल का संबंध किससे है दोस्तों? उसी प्रकार जल का संबंध किससे है दोस्तों? बांध से। किससे है? बांध से। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है।
निम्न में से असंगत युग्म को छांटे, जीवन, मृत्यु, विष, अमृत, कपड़े, गहने, लाभ, हानि। दोस्तों इनमें से भिन्न कौन सा है? दोस्तों इनमें से भिन्न कपड़े और गहने भिन्न है। दोस्तों कपड़े तो पहनने के लिए होते हैं और गहने दोस्तों धातु के बने हुए होते हैं, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवेश ने नवनीत से कहा कि वह लड़का जो हॉकी खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की बेटी के दो भाइयों से छोटा है। तो दोस्तों हॉकी खेलने वाला लड़का देवेश से किस प्रकार संबंधित रखता है, दोस्तों किस प्रकार से संबंध रखता है? दोस्तों वह संबंध रखता है भाई का, किससे रखता है? दोस्तों भाई का संबंध रखता है, दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं का एक जोड़ और अन्य से भिन्न है, यानी दोस्तों 208, 144, 6, 1331, 11, 121, 12, यानी दोस्तों ये इनमें से कौन सा भिन्न है? दोस्तों इन सभी में से भिन्न है ऑप्शन डी वाला, यानी दोस्तों 121 और 12 भिन्न है। दोस्तों भिन्न किस तरीके से? दोस्तों प्रश्न में दिए गए संख्याओं का युग्म निम्न प्रकार से, यानी दोस्तों जो 12, 8, 144, 6, 1331, 11, 121, 12, यानी दोस्तों जो 121, 12 है यानी ऑप्शन डी वाला ये दोस्तों इनसे भिन्न है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी, यानी दोस्तों कौन सी संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी, यानी दोस्तों 11, 13, 17, 19, 23, 25। अब आगे क्या आएगा इसके बारे में बताना है। दोस्तों 11 और 13 में कितने का अंतर है? दोस्तों 2 का। 13 और 17 में कितने का अंतर है? दोस्तों 4 का। और 17 और 19 में 2 का। 19 और 23 में 24 का। 23 और 25 में 2 का, यानी दोस्तों पहले 2 का अंतर हुआ, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, यानी दोस्तों 25 में हम 4 प्लस करेंगे दोस्तों क्या आएगा? 29। तो दोस्तों यहाँ क्या आने वाला है? 29। 29 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए, जे के अनुपात, क्यू आर समानुपात, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, यानी दोस्तों जो जे के और क्यू आर में जो संबंध है वही संबंध इन यहाँ दोनों संख्या आएगी उनके अंदर होना चाहिए, यानी दोस्तों जे के, यानी दोस्तों जे प्लस ए के, क्यू प्लस आर, ऑप्शन सी। दोस्तों एस टी भी करेक्ट नहीं होने वाला है, यू वी भी करेक्ट नहीं होने वाला है, दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी बी सी और आई जे, बी सी और आई जे करेक्ट हो जाएंगे। और करेक्ट कैसे होंगे दोस्तों? जे और सत क्यू में कितने का अंतर है? दोस्तों 7 का। और के और आर में कितने का अंतर है? दोस्तों 7 का, यानी दोस्तों और बी आई में 7 का और सी जे में 7 का, यानी दोस्तों इनके अंदर सभी के अंदर 7-7 का अंतर होना चाहिए, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक दो व्यक्ति दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष मान्यता एक और दो निकाले गए हैं, आपको विचार करना है कि व्यक्तित्व सत्य है चाहे वह सामान्य सरल तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए व्यक्तित्व में से कौन सा निश्चित रूप से सही है और निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है। तो दोस्तों कुछ थैले जेब, यानी दोस्तों कुछ थैले, यानी दोस्तों ये क्या हो गया? ये कुछ थैले हो गए। कुछ थैले क्या है? जेबे हैं। कुछ थैले जेबे हो गए, कुछ थैले जेबे नहीं है। कोई भी जेब थैली नहीं है, यानी दोस्तों कोई भी जेब क्या नहीं है? थैली नहीं है दोस्तों, ये होगी थैली। अब दोस्तों इसके निष्कर्ष देख लेते हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ थैले थैलियाँ नहीं है, कुछ थैले थैलियाँ नहीं है, ये भी सही है। कुछ जेब थैले हैं, ये भी सही है। यानी दोस्तों इसका दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड निकलते हैं, यानी दोस्तों इसका कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में विलुप्त पद के लिए सही विकल्प चुनिए, 3 F, 6 G, 1 11, 18 L, क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आएगा उसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों देख लेते हैं, एफ जी, जी के बाद में आई, आई के बाद में एल, यानी दोस्तों 6 में 1 प्लस किया तो 7 जी आ गया, और जी के अंदर 2 प्लस किए गए तो आई आ गया, और आई में 3 प्लस किया गया तो एल आ गया, और दोस्तों एल में 4 प्लस किया जाएगा, यानी 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुए, फिर 3 प्लस हुए, फिर 4 प्लस हो गए। तो दोस्तों एल, एल में 4 प्लस करेंगे, यानी दोस्तों एल 12 पे होता है, 12 में 4 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा? 16, और 16 पे क्या आता है? पी, पी आ गया। इसी तरीके से दोस्तों 3
में 3+ किया 6, 6 में 5+ करे जाएगा 11, और 11 में 7+ किया गया तो 18। अब दोस्तों यानी पहले 3+ हुआ, पहले 3 2, 3 में 2 करके 5+ हो गया, फिर 5 में 2+ किया 7, अब 7 में 2+ किया जाएगा तो 9, यानी दोस्तों 18 में 9+ करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 27, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 27P, यहाँ पे आ जाएगा 27P दोस्तों। 27P किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान में कोई सी संख्या आएगी, यानी दोस्तों ये जो खाली स्थान है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी इसके बारे में बताना है। यानी दोस्तों 11, 1 और 4 से मिला के 15 बनाए गए हैं, 7, 3 से मिलाकर 24 बनाए गए हैं, 5, 2, 9 से मिलाकर 19 बनाए गए हैं। दोस्तों जो तरीका इन तीनों के अंदर लगेगा उसी तरीके से 3, 4, 5 को हल करके जो क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर जो संख्या आएगी वह संख्या लेके आना है। तो दोस्तों इन इसके अंदर कौन सा तरीका लगने वाला है उसको हम बताते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर तरीका लगने वाला है कि यानी दोस्तों पहली हुई दोनों संख्याएं इनको आपस में इंटू करना है, गुणा करना है। दोस्तों 5 को हम 2 से गुणा करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 10, और 10 में हम 9+ कर देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 19। इसी तरीके से दोस्तों 7 को हम 3 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 7 या 21, और 21 में हम 3+ करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 24। फिर इसी तरीके से दोस्तों 3, 4, 5 को हल करके हम क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर जो संख्या आएगी उसको निकालेंगे। यानी तो दोस्तों 3 × 4+5, यानी दोस्तों 3 को 4 से गुणा करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 12, और 12 में 5+ करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 17। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाला स्थान पे क्या आएगा 17। 17 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 6 दोस्त ABCDE और एफ षटकोण मेज की भुजाओं की एक तरफ एक खेल खेलने के लिए निम्नलिखित क्रमानुसार बैठे हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले एक 6 कोणों की टेबल बना लेते हैं। तो दोस्तों ये 6 कोणों की टेबल बन गई, यानी एक तो ये विपरीत ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये विपरीत हो, यानी हो गया। अब इसमें दे रखा है एफ ए के बिल्कुल विपरीत है दोस्तों, ये यहाँ पे आ गया और एफ यहाँ आ गया, यानी दोस्तों ए एफ के बिल्कुल विपरीत है। अब दोस्तों इसके अंदर आगे बताया गया कि और बी के ठीक दाएँ, यानी दोस्तों और एफ है जो बी के ठीक दाएँ तो है, तो दोस्तों बी यहाँ आ जाएगा, तो बी ए बी ऐप के ठीक दाएं आ गया। तो दोस्तों कहाँ आ गया, बी ऐप के ठीक दाएं आ गया। इसके बाद में अगला देखते हैं, डी ए और बी के बीच में है, तो दोस्तों डी ये बी है और ये है, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, यानी दोस्तों डी बी और ए के बीच में आ गया। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, बीच में बेटा है और सी के बिल्कुल विपरीत बेटा है, यानी दोस्तों सी के विपरीत बिल्कुल बेटा, तो दोस्तों सी यहाँ आ जाएगा। अब दोस्तों बच गया क्या, दोस्तों ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई और ई यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि बी के विपरीत कौन है, तो दोस्तों बताइए कि बी के विपरीत कौन है, दोस्तों बी के विपरीत है ई, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, बताइए ई के विपरीत फलक पर कौन सा है, यानी दोस्तों जो ई के विपरीत फलक है उसके बारे में बताना है। दोस्तों हम किस तरीके से देखेंगे, दोस्तों जिस इस तरीके से देखेंगे जिस के अंदर ई है उसके अंदर जो विपरीत वाला है वो नहीं आएगा, यानी दोस्तों इसमें ई है, ई के साथ एफ और डी है, तो दोस्तों एफ और डी ई के साथ है, यानी दोस्तों इसके अंदर एफ डी, दोस्तों इसके अंदर भी एफ डी है, इसमें भी एफ डी है, और दोस्तों लेकिन इसमें एफ और डी नहीं है, तो दोस्तों इसका विपरीत क्या हो जाएगा, दोस्तों ई का विपरीत हो जाएगा बी, ओके ई का विपरीत कौन हो जाएगा बी, यानी दोस्तों कुछ ऑप्शन में ऑप्शन बी में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न आरेख में छायांकित भाग क्या प्रदर्शित करता है यदि त्रिभुज गरीब का है, यानी दोस्तों जो त्रिभुज है ये गरीब का है, वर्त है, वर्त परिवार को तथा वर्ग अमीर को दर्शाता है, तो दोस्तों इसमें ना अमीर ना गरीब परिवार है, अमीर तथा गरीब परिवार है, अमीर परिवार है, गरीब परिवार है, तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, यानी दोस्तों उसके अंदर प्रश्न आकृति निहित है उसको हमें चुनना है, तो दोस्तों इसमें प्रश्न आकृति कौन सी बनेगी, यानी दोस्तों इसमें प्रश्न आकृति बनने वाली है ऑप्शन डी वाली, कौन सी ऑप्शन डी वाली, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
नीचे निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग हैं दोस्तों, इसके अंदर वर्ग गिनने हैं। तो दोस्तों वर्ग गिन लेते हैं दोस्तों, एक वर्ग तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो एक ये हो गया, तीन एक ये हो गया, चार एक ये हो गया, पाँच कितने वर्ग हैं दोस्तों, दोस्तों इसके अंदर टोटल पाँच वर्ग है। कितने? पाँच, पाँच यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा। नीचे दिए गए पर्सन आकृति में कौन सी उत्तर आकृति रखने पर पर्सन आकृति के डिजाइन पूरा होगी, यानी दोस्तों कौन सी आकृति रखने पर होगी दोस्तों, इसकी आकृति होगी ये इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से आकृति किस ऑप्शन में है आपका, वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस ऑप्शन में है दोस्तों, दोस्तों ऑप्शन बी में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 36 किमी प्रति घंटे की चाल से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार उसी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, यानी दोस्तों उस रेलगाड़ी की लंबाई देखनी है दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल कितनी है दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल है तो 36 किमी प्रति घंटा है, कितनी है तो दोस्तों 36 किमी प्रति घंटा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, हम 36 इंटू 5/18 दोस्तों, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 5 दूनी 10, कितना हो गया दोस्तों ये आ गया 10, यानी दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों हमें इसको मीटर प्रति सेकंड में हमने इसको चेंज कर लिया। अब दोस्तों समय क्या दे रखा है दोस्तों, समय 25 सेकंड दे रखा है, समय कितना दे रखा है 25 सेकंड। अब दोस्तों हम इसको हल कर लेंगे, तो दोस्तों हम इसको हल इस तरीके से कर लेंगे दोस्तों, 25 को हम 10 से गुणा करेंगे दोस्तों क्या जाएगा 250, क्या जाएगा 250, रेल की कितनी लंबाई है 250 मीटर, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सी का बी बराबर 0.6 का ए बराबर 75% का 1/3 हो तो ए अनुपात बी सी कितना होगा दोस्तों, ए अनुपात बी सी कितना होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 5:3। नेक्स्ट है, यदि एक्स प्लस 1/x बराबर 5 हो तो 2x/3x² - 5x = 3 का मान क्या होगा दोस्तों, इसका मान क्या होगा दोस्तों, इसका मान होगा 1/5 दोस्तों, 1/5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। सात हज़ार की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश में 2:3 के अनुपात में है, बी तथा सी के अंश 4:5 में है, बी का हिस्सा क्या होगा दोस्तों, इसमें बी का हिस्सा क्या होने वाला है दोस्तों, बी का हिस्सा होने वाला है, का हिस्सा होने वाला है दोस्तों इसमें टोटल 2400, कितना हो रहा है दोस्तों, टोटल 7000 है दोस्तों, 7000 में से बी का कितना होने वाला है दोस्तों, बी का होने वाला 2400 दोस्तों, 2400 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। एक स्कूल के 36 से छात्रों का मध्य भार 42 की ग्रह है, तो यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो मध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार के ग्राम में ज्ञात कीजिए, यानी दोस्तों अध्यापक का भार कितना है, तो दोस्तों अध्यापक का भार कितना है दोस्तों, इसको हम ज्ञात कर लेते हैं, तो दोस्तों 34 × 42 दोस्तों, 34 × 42 कर लेंगे, यानी दोस्तों 34 छात्रों का भार ज्ञात करने के लिए हम 34 × 42 करेंगे, तो दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 1428, कितना हो जाएगा 1428। अब दोस्तों अध्यापक को मिला देना है, तो दोस्तों अध्यापक में हम मिला देंगे तो दोस्तों 34 की जगह कितने हो जाएंगे 35, और दोस्तों भार कितना हो रहा है दोस्तों, भार हो रहा है 42 यानी 42.400, तो दोस्तों 35 को 42.400 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1484, कितना हो जाएगा 1484, तो दोस्तों अध्यापक का कितना हो गया दोस्तों, अब हम क्या करेंगे 1428 में से 1484 माइनस कर देंगे, यानी 1484 माइनस 1428 माइनस करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, अध्यापक का वेट आ जाएगा, वजन आ जाएगा दोस्तों, कितना बच गया 1484 में से 1428 माइनस करेंगे तो दोस्तों 56 बच जाएंगे, तो दोस्तों 56 अध्यापक का है वेट है वजन है, तो दोस्तों 56 ऑप्शन बी में, तो दोस्तों 56 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है।
ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक वेतन 6000 है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी? यानी दोस्तों उसकी मासिक बचत क्या होने वाली है? दोस्तों उसकी मासिक बचत होने वाली है 1500 रुपये। कितने? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए तो शेष पर 1, 3, 5, 7 रह जाए? दोस्तों कौन सी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 9, 7, 6, 3 है। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट है, यदि अंडरूट 18 225 बराबर 135 हो तो अंडरूट 18 225 प्लस 18 225 प्लस 1.8225 प्लस 0.01825 का मान कितना होगा? दोस्तों कितना होगा? दोस्तों इसका मान होने वाला है 149.985। नेक्स्ट है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? दोस्तों जो डाले गए मत है उनकी संख्या कितनी थी? दोस्तों उनकी संख्या थी 8000। कितनी थी दोस्तों? 8000। दोस्तों 8000 ऑप्शन सी में, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है, यानी शिक्षा 25%, मकान किराया 20%, यात्रा 15%, भोजन 20% और बचत 20%। तो दोस्तों इसका टोटल कितना है? टोटल व्यय कितना है? दोस्तों कितनों का अंतिम 4000 है तो परिवार की कुल आय कितनी है? यानी दोस्तों 4000 है जो शिक्षा और यात्रा पे खर्च करता है, तो दोस्तों कुल आय कितनी है? दोस्तों कुल आय है 40000। दोस्तों किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए बी में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक्स के रूप में वर्गीकृत नहीं है? कौन सा नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है आवाज़ का स्कैन, ऑप्शन नंबर 2 है रेटिना का स्कैन, ऑप्शन नंबर 3 है अंगुली छाप, ऑप्शन नंबर 4 है डिजिटल हस्ताक्षर। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि डिजिटल हस्ताक्षर। दोस्तों डिजिटल हस्ताक्षर बायोमेट्रिक्स के रूप में वर्गीकृत नहीं है, यह सिग्नेचर का डिजिटल रूप है जिसे प्रेषित किए गए संदेश को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा यह डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल होने को भी सुनिश्चित करता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर 2 है ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन नंबर 3 है चेन प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी है तेजी वहील प्रिंटर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्ड कंप्यूटर में डाउनी के संचालन के लिए आवश्यक है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है डेटा कार्ड, ऑप्शन नंबर बी है साउंड कार्ड, ऑप्शन नंबर सी है ग्राफिक्स कार्ड, ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि साउंड कार्ड। दोस्तों जो साउंड कार्ड है कंप्यूटर में ध्वनि के संचालन के लिए आवश्यक है, साउंड कार्ड को ऑडियो कार्ड भी कहा जाता है। दोस्तों जो साउंड कार्ड है उसको ऑडियो कार्ड भी कहा जाता है। यह एक आंतरिक विस्तार कार्ड है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के नियंत्रण के लिए कंप्यूटर से ऑडियो संकेतों के इनपुट और आउटपुट प्रदान करता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है लिनक्स, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऑप्शन नंबर सी है आईओएस, ऑप्शन नंबर डी है ओएसएक्स। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि लिनक्स। क्या है? लिनक्स। दोस्तों निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन नंबर ए है लिनक्स, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऑप्शन नंबर 3 है आईओएस, ऑप्शन नंबर डी है ओएसएक्स। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि लिनक्स। दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ष 1991 में लिनस टॉरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। इसका प्रयोग
मुख्यतः सर्वर के लिए होता है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तथा सभी प्रकार के कंप्यूटर पर चल सकता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर और डिजिटल प्रौद्योगिकी में 1 GB क्या होता है दोस्तों, 1 GB क्या होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर एक ए है 1024 MB, ऑप्शन नंबर बी है 1024 KB, ऑप्शन नंबर सी है 1024 TB, ऑप्शन नंबर डी है 1024 BB। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि 1024 MB। दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी में 1 GB गीगाबाइट 1024 MB मेगाबाइट के बराबर होता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर उपयोगिता कंप्यूटर और इसके डेटा से हानिकारक खतरों का पता लगाती है और उन्हें हटाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर बी है डिस्क डिफेगमेंटर, ऑप्शन नंबर सी है कंपाइलर, ऑप्शन नंबर डी असेंबलर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि एंटीवायरस। दोस्तों एंटीवायरस ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिनका प्रयोग कंप्यूटर को वायरस से, स्पाईवेयर, वॉर्म्स, ट्रोजन इत्यादि से बचाने के लिए होता है। इसमें वे प्रोग्राम भी सम्मिलित होते हैं जिनका कार्य वायरस या अन्य मालवेयर को ढूंढकर समाप्त करना होता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है हेक्साडेसिमल, ऑप्शन नंबर बी है बाइनरी, ऑप्शन नंबर सी है डेसिमलर, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्टल। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बाइनरी। क्या हो जाएगा बाइनरी। दोस्तों बाइनरी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। वास्तव में मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें सभी डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। कंप्यूटर में डेटा बाइनरी नंबर सिस्टम फॉर्मेट 0 तथा 1 में ही स्टोर किया जाता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो कंप्यूटर के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग नहीं हो सकता दोस्तों, किस पद्धति का उपयोग नहीं हो सकता दोस्तों, इसका ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि हार्ड हाई फाई। क्या हो जाएगा हाई फाई। दोस्तों इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों हाई फाई है ये है वाईफाई, एक वर्ल्ड वाइड वायरलेस तकनीकी है जिसमें रेडियो आवृत्तियों को डेटा ट्रांसफ़र करने में प्रयोग किया जाता है। लैन केबल के द्वारा सीमित क्षेत्र में एक या अधिक कंप्यूटरों को जोड़कर नेटवर्क प्राप्त होता है। मेमोरी स्टिक ने डिजिटल कैमरा जैसे विभिन्न कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के बीच इमेज, ध्वनि और अन्य डेटा साझा करने और स्थानांतरित करने का एक नया तरीका प्रस्तुत किया है, जबकि हाईफाई का प्रयोग श्रोताओं, ऑडियोफिल्स और होम ऑडियो द्वारा ध्वनि की उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, MS Word में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग डॉक्यूमेंट में विशिष्ट स्थान को मार्क करने के लिए किया जाता है दोस्तों, ताकि उसे बाद में पढ़ा या फिर से ढूंढा जा सके दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर एक है पेज ब्रेक, ऑप्शन नंबर बी है बुलेट, ऑप्शन नंबर सी है बुकमार्क, ऑप्शन नंबर डी है हाइपर लिंक। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि पेज ब्रेक। दोस्तों MS Excel में कोई भी फॉर्मूला बराबर चिन्ह के साथ शुरू हो दोस्तों, जो ये है पेज ब्रेक के बारे में देख लेते हैं। यदि आप बड़े डॉक्यूमेंट में बड़े डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट के विशेष स्थान पर जाने के लिए बुकमार्क का प्रयोग करेंगे। वर्ड में बुकमार्क इंसर्ट करना जैसे पुस्तक में बुकमार्क PUT करने के लिए किसी जगह को चिन्हित करना है। वर्ड में बुकमार्क कोड होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होते हैं लेकिन वे दिखाई नहीं देते हैं और न ही प्रिंट होते हैं। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी फार्मूला से पहले कौन सा चिन्ह
ना चाहिए दोस्तों। किसी फॉर्मूला से पहले कौन सा चिन्ह होना चाहिए दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है बराबर का निशान, ऑप्शन नंबर बी है डॉलर का निशान, ऑप्शन नंबर सी है विश्वयादिबोधक निशान, ऑप्शन नंबर डी है कोलन का निशान। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि बराबर का निशान होना चाहिए। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? किस देश में की गई है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर बी है 34 संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर सी है सांसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, ऑप्शन नंबर डी है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि मूल संविधान का हिस्सा था, यानी दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की चर्चा मूल संविधान में ही की गई थी। सर्वप्रथम मूल अधिकारों की चर्चा नेहरू रिपोर्ट यानी 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी में की गई थी। मोतीलाल नेहरू ने इस कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए भी मौलिक अधिकारों को अनिवार्य माना था। तत्पश्चात 1935 के भारत सरकार अधिनियम में भी मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान सभा ने एक बार पुनः नेहरू रिपोर्ट एवं 1935 के अधिनियम का अध्ययन करते हुए मौलिक अधिकारों को मूल संविधान में शामिल कर लिया था। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 15, ऑप्शन नंबर डी है 20। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 20। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? भारत में लोकसभा है जो किसका प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है राज्यों की विधानसभाओं का, ऑप्शन नंबर बी है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय जनता का, ऑप्शन नंबर डी है राजनीतिक दलों का। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता का। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 35 वर्ष। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 35 वर्ष। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है 1946 में, ऑप्शन नंबर बी है 1915 में, ऑप्शन नंबर सी है 1936 में, ऑप्शन नंबर डी है 1916 में। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका दोस्तों? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1946 में। नेक्स्ट है, रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी किनके मध्य हुआ था? किनके मध्य हुआ था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी तथा राणा हमीर के, ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी तथा राणा रतन सिंह के, ऑप्शन नंबर डी है बाबर तथा राणा सांगा के। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी तथा राणा हमीर के मध्य रणथंभौर का युद्ध जो 1301 ईस्वी में हुआ था ये इनके मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 30 वर्ष। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 21 वर्ष। कितनी आयु होती है दोस्तों? 21 वर्ष। नेक्स्ट है,
वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों कार्य करती है कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? वह दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अधिवर्क, ऑप्शन नंबर बी है थायराइड, ऑप्शन नंबर सी है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी है पिट्यूटरी ग्रंथि। दोस्तों एक बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि अग्नाशय ग्रंथि है। नेक्स्ट है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? कहाँ से आरंभ होती है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर एक ए है ग्रीषिका, ऑप्शन नंबर बी है मुख गुहिका, ऑप्शन नंबर सी है ग्रहणी, ऑप्शन नंबर डी है अमाशय। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मुख गुहिका। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रुधिर कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकेगॉन, ऑप्शन नंबर बी है वर्धिकर हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है पराटू हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी है थायरोक्सिन हार्मोन। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि पराटू यानी पेरा थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट है, शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था में वाकियान्विस का क्या कार्य था? क्या कार्य था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है राज कर्मचारियों को मिलने वाले भुगतानों तथा लोक लेखों की जांच पड़ती है हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर बी है राजा की दैनिक गतिविधियों तथा दरबार की घटनाओं की दैनिक रखना, ऑप्शन नंबर सी है राजा के पत्राचार की देखभाल करना, ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक उत्सव आयोजित करना तथा लोक नैतिकता का नियंत्रण होना। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि राजा की दैनिक गतिविधियों तथा दरबार की घटनाओं की दैनिक रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व वास्तुकला को तुर्की शैली की देन नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है गुंबद, ऑप्शन नंबर बी है मेहराब, ऑप्शन नंबर सी है तोरण, ऑप्शन नंबर डी है सजा आकृतियां। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि सजा आकृतियां। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी को परास्त करने वाला राजपूत शासक कौन था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अमर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है राणा सांगा, ऑप्शन नंबर सी है राणा प्रताप, ऑप्शन नंबर डी है जय सिंह। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि राणा सांगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है शिवाजी अष्टप्रधान, ऑप्शन नंबर बी है चौथ राजस्व का 1/4 भाग, ऑप्शन नंबर सी है हिंदू पद पर पादशाही उपाध्याय बाजीराव, ऑप्शन नंबर डी है साल बाई संधि 1780 ईस्वी में। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि यह कथन असत्य है। मेलकम नेस जिनका अगस्त 2019 में निधन हो गया है वह किस खेल से जुड़े थे? दोस्तों किस खेल से थे वो? इसका ऑप्शन नंबर ए है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर डी है हाई जंप। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध से जुड़े हुए राज्य हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के पहले क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना किस देश में की गई है? किस देश में की गई है? इसका ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट है, 2020 ग्लोब क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है तीसरा, ऑप्शन नंबर बी है चौथा, ऑप्शन नंबर सी है पाँचवा, ऑप्शन नंबर डी है छठा। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि पाँचवा स्थान है। नेक्स्ट, 2023 फुटबॉल हॉकी विश्व कप का आयोजन
किस शहर में प्रस्तावित है, किस शहर में प्रस्तावित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है रांची, ऑप्शन नंबर बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी है राउरकेला, ऑप्शन नंबर डी बी एवं सी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अगर बी एवं सी यानी भुवनेश्वर और राउरकेला के अंदर प्रस्तावित है। नेक्स्ट है NIFT निम्न में से किस राज्य का एक विद्रोही समूह है जिसने अगस्त 2019 में सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका ऑप्शन नंबर ए है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट है अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अरुण जेटली, ऑप्शन नंबर बी है प्रणव मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी है शशि थरूर, ऑप्शन नंबर डी है दीपक नेयर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अरुण जेटली। कौन है? अरुण जेटली। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है ये कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है 10 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी है 12 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी है 16 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी है 20 अगस्त। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 12 अगस्त। नेक्स्ट कंपोजिशन योजना का संबंध है? दोस्तों जो कंपोजिशन योजना है उसका संबंध है क्या संबंध है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है GST से, ऑप्शन नंबर बी है वित्तीय समावेशन से, ऑप्शन नंबर सी है बैंकिंग सुधार से, ऑप्शन नंबर डी है बैंकों के विलय से। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि GST से। नेक्स्ट है मंकी फॉक्स क्या है? मंकी फॉक्स क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी है वायरस, ऑप्शन नंबर सी है कवक, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि वायरस है, जो मंकी फॉक्स है एक वायरस है। नेक्स्ट है किस देश ने विश्व की सबसे तेज़ बुलेट ट्रेन का परिचालन आरंभ किया है? किस देश ने किया दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चीन। दोस्तों जो विश्व की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का परिचालन आरंभ चीन ने किया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बनारस, ऑप्शन नंबर बी है कानपुर, ऑप्शन नंबर सी है पटना, ऑप्शन नंबर डी है गुरुग्राम। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कानपुर। नेक्स्ट है किसानों के लिए एकल खिड़की सुविधा केंद्र की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड राज्य है। नेक्स्ट है भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? दोस्तों किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है मोरमू गोवा बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी है कांडला बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी है पारादीप बंदरगाह। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट है वुड इज गुड का संबंध किस क्षेत्रों से है? यानी दोस्तों किस क्षेत्र से है? इसका ऑप्शन नंबर ए है पेयजल, ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है कोयला। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट है सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है संथाल, ऑप्शन नंबर बी है छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर सी है मुंडा, ऑप्शन नंबर डी है कुका। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संथाल से। कौन सा है? संथाल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के घटक नहीं है? कौन है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है व्यापार, ऑप्शन नंबर बी है भंडारण,
ऑप्शन नंबर सी है गैस एवं जलापूर्ति, ऑप्शन नंबर डी है सामुदायिक सेवाएं। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गैस एवं जलापूर्ति। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है बुध, ऑप्शन नंबर बी है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी है शनि, ऑप्शन नंबर डी है यम। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह है जो सबसे चमकीला ग्रह है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज से मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, इसकी खोज किसने की थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी है लुई पाश्चर, ऑप्शन नंबर डी है रोनाल्ड रोस। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि रोनाल्ड रोस ने की थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कप या ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बेटन कप, ऑप्शन नंबर बी है दिलीप ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर सी है रोवर्स कप, ऑप्शन नंबर डी है नारंग कप। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि रोवर्स कप। नेक्स्ट है बलात्कार से पीड़ित महिलाएं उनके प्रति किए गए अपराध को खामोशी से सहन कर लेती है, जिसका कारण होते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सामाजिक निंदा एवं अपमान का डर, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों व परिवार का भरण पोषण करने का की चिंता, ऑप्शन नंबर सी है नौकरी छूट जाने का भय, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी नम, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार भाग ले जाने का तात्पर्य है कि किसी महिला के जबरदस्ती कपटपूर्वक या धोखाधड़ी करके उससे बहला फुसला कर ले जाना तथा उसके साथ अवैध यौन संबंध स्थापित करना या उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए बाध्य करना? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है धारा 366, ऑप्शन नंबर बी है धारा 361, ऑप्शन नंबर सी है धारा 376, ऑप्शन नंबर डी है धारा 371। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि धारा 366। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के अनुसार अपहरण का तात्पर्य है एक नाबालिग लड़का व लड़की को उसके माता पिता वैधानिक संरक्षक की अनुमति के बिना ले जाना, इसमें नाबालिग लड़का व लड़की की आयु क्रम से निर्धारित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 16 व 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 16 व 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 15 व 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 17 व 18 वर्ष। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि 16 व 18 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है यूनिसेफ द्वारा बाल मजदूरी बाल श्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ग, ऑप्शन नंबर बी है 4 वर्ग, ऑप्शन नंबर सी है 5 वर्ग, ऑप्शन नंबर डी है 7 वर्ग। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 3 वर्ग। नेक्स्ट है परिवार के साथ किंतु घर के बाहर काम करने वाले श्रम में शामिल होते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है कृषि मजदूर, ऑप्शन नंबर बी है घरेलू मजदूर, ऑप्शन नंबर सी है श्रीमान मजदूर, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बाल श्रम को प्रेरित करने वाले कारक हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है माता पिता की गरीबी, ऑप्शन नंबर बी है निरक्षरता, ऑप्शन नंबर सी है परिवार की ऋणग्रस्तता, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारत में बाल सुरक्षा की समस्या कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है मनोरंजन की समस्या, ऑप्शन नंबर बी है सुरक्षा की समस्या, ऑप्शन नंबर सी है बाल विकलांगों की समस्या, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है बाल सुरक्षा से आशय है? दोस्तों बाल सुरक्षा से आशय क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है किसी भी प्रकार की क्षति से सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी है भावी संकट से सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों,
ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ए व बी दोनों ही करेक्ट हैं। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन स्थित है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है शेखावटी क्षेत्र, ए ऑप्शन बी है गोडवार क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है नागौर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है घग्गर क्षेत्र। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि गोडवार क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? गोडवार क्षेत्र, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि जैसलमेर। यानी दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जयपुर। नेक्स्ट है, खेजड़ली और बबूल प्रकार की वनस्पति की प्रधानता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिक है? किस क्षेत्र में है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है नागौर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है शेखावाटी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है लूणी जवार क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है घग्गर क्षेत्र। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि शेखावाटी क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? दोस्तों निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी है कोटा, ऑप्शन नंबर सी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी है धौलपुर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि झालावाड़। दोस्तों जो चंबल नदी है जो झालावाड़ से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, राज्य के पश्चिम क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है कृषि गतिविधियां, ऑप्शन नंबर बी है अत्यधिक पशुचारण, ऑप्शन नंबर सी है खनन, ऑप्शन नंबर डी है पर्यटन। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अत्यधिक पशुचारण। नेक्स्ट है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? दोस्तों रेगिस्तान का जल महल है किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी है बटाडू का कुआ, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर का दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी है रणथंभौर का दुर्ग। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि बटाडू का कुआ। दोस्तों बटाडू का कुआ है, उसको रेगिस्तान का जल महल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है श्रीगंगानगर को, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर को, ऑप्शन नंबर सी है हनुमानगढ़ को, ऑप्शन नंबर डी है कोटा को। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा श्रीनगर को। दोस्तों श्रीनगर को राजस्थान का अन्न कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, करौली व धौलपुर जिले में चंबल व बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है कांटल का मैदान, ऑप्शन नंबर बी है विद्यन कगार भूमि, ऑप्शन नंबर सी है दक्कन लावा पठार, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि विद्यन कगार भूमि। नेक्स्ट है, गर्मियों में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में आती है? किस जिले में आती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि गर्मियों में सर्वाधिक आंधियां है जो श्रीगंगानगर में आती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित जिले में से कौन से जिले में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है गंगानगर, ऑप्शन नंबर बी है सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी है चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा गंगानगर। दोस्तों गंगानगर जिले में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, बीकानेर सिसा एवं चस्ता, भीलवाड़ा लिंगनाइट कोयला, नागौर अबरक, उदयपुर जिप्सम। तो दोस्तों इनको मेल करवाना है, तो दोस्तों इनको मेल करवा लेते हैं। दोस्तों बीकानेर है, दोस्तों बीकानेर जिप्सम है, भीलवाड़ा के लिए अबरक, नागौर लिंगनाइट कोला, उदयपुर सिसा एवं जस्ता। यानी दोस्तों ये मेल हो गया। अब दोस्तों इसके अनुसार हम ऑप्शनों में रख लेंगे, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर
नटनीक का चबूतरा निर्मित है। दोस्तों राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनीक का चबूतरा निर्मित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है पुष्कर, ऑप्शन नंबर बी है पिचोला, ऑप्शन नंबर सी है सांबर, ऑप्शन नंबर डी है जय समंद। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पिचोला झील पे। दोस्तों जो पिचोला झील है उदयपुर में, उसके किनारे यानी प्रसिद्ध झील है पिचोला झील, उस पर नटनी का चबूतरा बनाया गया है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सांबर साल्ट जिसके द्वारा चालित है वह है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय सरकार, ऑप्शन नंबर बी है निजी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है सहकारी समिति, ऑप्शन नंबर डी है राज्य सरकार। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा जो हिंदुस्तान सांबर साल्ट है ये चलाई जा रही है। नेक्स्ट निम्न में से किसने राजपूत राजा जैत सिंह पर आक्रमण किया था? किसने किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बलबन ने, ऑप्शन नंबर बी है अकबर, ऑप्शन नंबर सी है इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर डी है फिरोज तुगलक ने। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट मेवाड़ के निम्न में से किस गुहिल शासक ने हुन राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अलत, ऑप्शन नंबर बी है जैत सिंह, ऑप्शन नंबर सी है बप्पा रावल, ऑप्शन नंबर डी है गुहिल। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अलत ने किया था। नेक्स्ट है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अलवर, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट हो जाएगा, अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। नेक्स्ट है राजस्थान में सती प्रथा सबसे अधिक कौन सी जाति में प्रचलित थी? दोस्तों राजस्थान में सती प्रथा सबसे अधिक कौन सी जाति में प्रचलित थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी है राजपूत, ऑप्शन नंबर सी है वैश्य, ऑप्शन नंबर डी है शूद्र। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजपूत जाति में। दोस्तों जो सती प्रथा है जो राजपूत जाति में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार के किस सेनापति ने टोंक के नवाब की सेना को पराजित किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है जनरल डायर, ऑप्शन नंबर बी है जनरल डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी है जनरल स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी है जनरल रॉबर्ट्स। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जनरल रॉबर्ट्स। नेक्स्ट आमेर के कछुआ शासकों को किस शिलालेख में रघुवंश पुकारा गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है चिरवा का शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी है आमेर का किला, ऑप्शन नंबर सी है बिजोलिया का शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी है बेराट शिलालेख। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि आमेर का लेख। नेक्स्ट ढोल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? दोस्तों जो ढोल नृत्य है किस क्षेत्र में किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है जालौर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है नागौर, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि जालौर के अंदर। दोस्तों जालौर क्षेत्र में ढोल नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने की थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है हीरालाल शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर बी है श्रीमती नगेंद्र बाला ने, ऑप्शन नंबर सी है सादा सीताराम ने, ऑप्शन नंबर डी है संत रामदेव स्नेही ने। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट राजस्थान के प्रसिद्ध किसान आंदोलन में मीणा आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध किसान आंदोलन में से मीणा आंदोलन कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर ए है 1941 में, ऑप्शन नंबर बी है 1944 में, ऑप्शन नंबर सी है 1942 में, ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1945 में। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि 1945 के अंदर मीणा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट कोटा के विद्रोही सैनिकों ने किस अंग्रेज अफसर की हत्या की थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है जनरल रॉबर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी है जनरल स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी है कर्नल होम्स, ऑप्शन नंबर डी है रेजिडेंट मेजर ब्रिटन व उसके दो पुत्रों तथा एक चिकित्सक की। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट राज्य की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है श्री लाल सिंह सत्तावत, ऑप्शन नंबर बी है श्री नरोत्तम लाल जोशी,
ऑप्शन नंबर सी है श्री रामनिवास मिर्दा, ऑप्शन नंबर डी है श्री पूनम चंद्र बिश्नोई। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि श्री नरोत्तम लाल जोशी। नेक्स्ट है राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है श्री इंद्रजीत खन्ना, ऑप्शन नंबर बी है श्री एम डी कोरानी, ऑप्शन नंबर सी है श्री एन के जैन, ऑप्शन नंबर डी है श्री अमरजीत सिंह। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि श्री एम डी कोरानी। नेक्स्ट है राजस्थान में उप सरपंच का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है कई पंचों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है सरपंच एवं पंचों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है ग्राम पंचायत के मतदाताओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है सरपंच द्वारा। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कई पंचों के द्वारा उप सरपंच का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में धौलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है राव रामचंद्र ने, ऑप्शन नंबर बी है मेहराब खान ने, ऑप्शन नंबर सी है जय दयाल ने, ऑप्शन नंबर डी है शुगारी माता ने। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि राव रामचंद्र ने। नेक्स्ट है राजस्थान का वह संप्रदाय जिसने समाज में सुधार लाने हेतु रूढ़ियों का विरोध किया, हिंदू मुस्लिम एकता तथा जीवन में नैतिकता अपनाने हेतु शुद्ध आचार संहिता स्थापित करने पर बल दिया। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है परनामी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी है लालदासी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी है शाक्त संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी है शैव संप्रदाय। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि लालदासी संप्रदाय। नेक्स्ट वेणेश्वर मेला किस जिले में आयोजित होता है? दोस्तों जो वेणेश्वर मेला है किस जिले में आयोजित होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है बूंदी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा डूंगरपुर। नेक्स्ट है राजस्थानी एवं गुजराती भाषा का विकास किससे हुआ? किससे हुआ? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है नागर अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर बी है सौराष्ट्र अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर सी है सौर सैनी प्राकृत से, ऑप्शन नंबर डी है गुर्जर अपभ्रंश से। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि गुजरी अपभ्रंश से। नेक्स्ट है खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए मालदेव के नेतृत्व में कौन सी सेना भेजी गई थी? कौन सी सेना भेजी गई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है जयपुरी सेना, ऑप्शन बी है मारवाड़ी सेना, ऑप्शन नंबर सी है राठौड़ी सेना, ऑप्शन नंबर डी है मेवाड़ी सेना। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मारवाड़ी सेना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युगम सत्य है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है एडवेंचर स्पोर्ट्स कोटा, ऑप्शन नंबर बी है शरद महोत्सव माउंट आबू, ऑप्शन नंबर सी है ब्रज महोत्सव अलवर, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है मध्य युग में राजस्थान में परिवर्तन आने का क्या कारण था? क्या कारण था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है इस्लाम धर्म का प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक आडंबर, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक विरोध दाभास, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि इस्लाम धर्म का प्रभाव। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक युगम सही सुमिलित नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है शुभरायुल चेटी वेद समाज, ऑप्शन नंबर बी है स्वामीनारायण गुरु जाति मीमांसा, ऑप्शन नंबर सी है रघुनाथ उपासना सभा, ऑप्शन नंबर डी है गजालु लक्ष्मी गणार्सु शेट्टी वाई कोम सत्याग्रह। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान छाप गुरु राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है राणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी है राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर सी है राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर डी है महाराणा प्रताप। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि राणा कुंभा। नेक्स्ट है
राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप कब अस्तित्व में आया? कब अस्तित्व में आया दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1956, ऑप्शन नंबर बी है 1949, ऑप्शन नंबर सी है 1951, ऑप्शन नंबर डी है 1948। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि 1949 के अंदर अस्तित्व में आया। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण है? इसका ऑप्शन नंबर ए है तापक्रम काफ़ी ऊंचा रहता है, ऑप्शन नंबर बी है तापक्रम में अधिक अंतर दिखलाई देता है, ऑप्शन नंबर सी है अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि तापक्रम में अधिक अंतर दिखलाई देता है। नेक्स्ट है, 1989 से 1614 ईस्वी में जिस राजपूत शासक को 7000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है राजा भगवंत दास, ऑप्शन नंबर बी है राजा राय सिंह, ऑप्शन नंबर सी है राजा मान सिंह, ऑप्शन नंबर डी है राजा सुरजन हाड़ा। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि राजा मान सिंह। नेक्स्ट है, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है महाराणा मोकुल, ऑप्शन नंबर बी है महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी है महाराजा सवाई राम सिंह, ऑप्शन डी है राणा सांगा। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि महाराजा सवाई राम सिंह। नेक्स्ट है, किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत काल कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 6वीं से 11वीं शताब्दी तक का काल, ऑप्शन नंबर बी है 5वीं से 10वीं शताब्दी तक का काल, ऑप्शन नंबर सी है 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल, ऑप्शन नंबर डी है 8वीं से 13वीं शताब्दी तक का काल। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल। नेक्स्ट है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? किसको भेजा था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है राजा बारमल को, ऑप्शन नंबर बी है जलाल खां को, ऑप्शन नंबर सी है मान सिंह को, ऑप्शन नंबर डी है भगवंत दास को। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? यानी अकबर ने राणा प्रताप को प्रथम दूत बनाकर किसको भेजा था? किसको भेजा था? दोस्तों इसका एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक याद रख लीजिएगा, जैमो भट्टो का दोस्तों पहला आ जाएगा, कौन आ जाएगा दोस्तों? जलाल खां, फिर आ जाएगा मान सिंह, फिर आ जाएगा भगवंत दास, फिर हो जाएगा टोडरमल। तो दोस्तों पहले किसको भेजा था? जलाल खान को। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बेंगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अकबर खान, ऑप्शन नंबर बी है शक्तिदान ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी है राम नारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर डी है तारा चंद्र। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि राम नारायण चौधरी। नेक्स्ट है, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? किस राज्य में चला था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बूंदी, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है अलवर, ऑप्शन नंबर डी है कोटा। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अलवर। नेक्स्ट है, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है हनुमंत सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी है उम्मेद सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी है जसवंत सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हनुमंत सिंह ने। दोस्तों ये था आज का मॉडल पेपर्स। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।